फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, कई बार कुछ ज्ञान ऐसा होता है कि जो अगर हमें नहीं भी है तो हमारी जो नॉर्मल वर्किंग है, हमारी लाइफ है, तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट कई बार क्या होता है कि हमारा कुछ विरासत है, कुछ इतिहास है, हिस्ट्री है, तो उसके बारे में मेरा ये मानना है कि हमें पता ज़रूर होना चाहिए। हालांकि अगर आपको, जैसा कि मैंने कहा, कि ज्ञान नहीं है, उसके बारे में नहीं पता है, तो वो आपकी लाइफ को किसी तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बट फिर भी अगर वो ज्ञान आपको कहीं से अवेलेबल है तो आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। तो कुछ इसी प्रकार का मेरा आज का जो विषय है, तो उस विषय के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ऐसा नहीं है कि आप म्यूज़िक जो है वो नहीं बजा पाएंगे या उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बट क्योंकि ये हमारे जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसके बारे में कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें हैं, तो मेरे हिसाब से ये बातें हम सभी को ये ज़रूर पता होने चाहिए। कम से कम जो हमारी विरासत है म्यूज़िक की, इंडियन क्लासिकल, तो उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो विषय है इसमें जो मेन टाइटल है वो है वेस्टर्न वर्सेस इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। और हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले वीडियो बना भी चुका हूं, और उस वीडियो में मैंने एक एस्पेक्ट जो था दैट वाज हारमोनी वर्सेस मेलोडी, तो इसके बारे में कुछ डिटेल में बात की थी। हारमोनी जो था दैट इज़ ए पार्ट ऑफ वेस्टर्न म्यूज़िक, और जो मेलोडी है दैट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। आज इन दोनों म्यूजिक के रेफरेंस से मैं दो स्केल्स की बात करूंगा। तो पहला जो स्केल है वो है दैट इज इक्विटेम्पर्ड स्केल। तो ये जो इक्विटेम्पर्ड स्केल है, अभी थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा भी आपको। इसका ओरिजिन जो है ये माना जाता है कि यूरोप से हुआ है। और एक होता है नेचुरल स्केल। तो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, चाहे वो गायन हो, चाहे वो वादन हो, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हों, तो वो सभी जो हैं दे आर बेस्ड अपॉन दिस नेचुरल स्केल। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों स्केल्स में क्या डिफरेंस है। अब इक्वी टेम्पर्ड स्केल जो है, तो उसको समझने से पहले एक छोटी सी बात जो मैं बहुत बार आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। आप मान लीजिए कि कोई एक नोट है या स्वर है किसी एक ऑक्टेव में, तो नेक्स्ट ऑक्टेव में जो वही स्वर होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो जाएगी। तो ये चीज़ आप सभी को पता होगी। अब मान लीजिए कि कोई भी एक नोट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 है, हालांकि प्रैक्टिकली 100 फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट किसी की नहीं होती है। A4 नोट को हम बेस मानते हैं, उसकी 440 होती है, और मेरे ख्याल से वही एक फ्रीक्वेंसी है जो राउंड फिगर में है। बाकी कोई भी आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो वो पॉइंट्स में होगी। तो खैर, मान लीजिए कोई नोट एक्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 100, तो यही एक्स जब आप नेक्स्ट ऑक्टेव में मिलेगा आपको जाके, तो इस नए एक्स की, हायर ऑक्टेव की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 200। तो इसके बाद फिर से आपको ये आगे एक्स नोट मिलेगा थर्ड ऑक्टेव में जाके, तो 200 का डबल होता है 400, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 400। 400 से नेक्स्ट ऑक्टेव में जब आप जाएंगे तो उसी नोट की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 800। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है। तो इक्विटेम्पर्ड स्केल में क्या है, हम सभी को पता है कि टोटल एक ऑक्टेव में 12 नोट्स होते हैं। 12 कौन से हैं, जिसमें 7 जो हैं वो शुद्ध स्वर हैं, 4 जो हैं वो कोमल है, एक जो है माँ जो है वो तीव्र है। तो 12 नोट्स हो गए। तो इक्विटेम्पर्ड स्केल में क्या किया गया है कि एक ऑक्टेव में एक नोट से लेके जब सेम ऑक्टेव का नेक्स्ट नोट मिलता है नेक्स्ट ऑक्टेव में, तो उन उस डिस्टेंस को, फ्रीक्वेंसीज के डिस्टेंस को उन्होंने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। दिस इज नोन एज इक्विटेम्पर्ड स्केल। अभी सुनने में आपको थोड़ा पहले ये आसान भी लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये 100 है, ये 200 है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज 100, तो उसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 आपके पास स्पेसिंग्स आ जाएंगी, नोट्स आ जाएंगे।
बट द थिंग्स आर नॉट दैट इजी। अगर इस तरह से स्पेसिंग करनी हो तो फिर तो 100 से 200 में 100 का डिफरेंस है, 100 बाय 12, 200 से 400 में 200 का डिफरेंस है, तो 200 बाय 12 स्टेप्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो वो जो स्केल है प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली क्या म्यूजिकली, वो स्केल जो है वो म्यूजिकली फिट नहीं बैठेगा। हालांकि फ्रीक्वेंसीज आपको मिल जाएंगी, दैट इज अ सेपरेट इश्यू, सेपरेट थिंग, बट वो म्यूजिकली स्केल जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब इनको कैसे बांटना है उन 12 विभागों में, 12 अलग अलग स्वरों में, क्योंकि हर एक स्वर को एक एक फ्रीक्वेंसी हमने देनी है, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। तो उस वीडियो का जो रिजल्ट है वो आपको बताता हूं कि एक नोट से जब नेक्स्ट आप एक सेमीटोन ऊपर जाते हैं या नेक्स्ट इमीडिएट आपका नोट आता है हाफ नोट, तो उनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, दैट इज उनका जो रेशियो है फ्रीक्वेंसी का, दैट इज 12th root of 2। तो थोड़ा सा अगर मैं आसान भाषा में कहूं कि जो एक नोट के इमीडिएट नेक्स्ट नोट है उसकी फ्रीक्वेंसी अपने प्रीवियस नोट से लगभग 5.96 समथिंग परसेंट जो है वो ज्यादा होगी। तो अभी आप एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिए कि अभी हमने ये जो डिफरेंस है उसको परसेंटेज की टर्म में फिक्स कर दिया। तो इसका मतलब ये जो नोट्स की फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है वो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि परसेंटेज जो है वो हमने फिक्स कर दी है। तो पहला नोट जैसे मान लीजिए कि 100 है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो नेक्स्ट नोट की क्या हो जाएगी, 105.96। अब उसका जो नेक्स्ट है तो वो 105.96 का 5.96% उससे ज्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार जो हमारे नोट्स हैं, एक स्केल जो है वो नोट्स में विभाजित कर दिया जाएगा। तो 12 डिविजन्स जो हमारे पास एक ऑक्टेव में आ जाएंगी, तो वो उन 12 नोट्स की अलग अलग की फ्रीक्वेंसीज मानी जाएंगी। अभी आपको बहुत कुछ इक्विटेम्पर्ड स्केल के बारे में समझ में आ चुका होगा, और जो हमारा हारमोनियम है, पियानो है या हारमोनिका है, जितने भी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे आर बेस्ड अपॉन द इक्विटेम्पर्ड स्केल। तो ये सभी इक्विटेम्पर्ड स्केल के ऊपर आधारित हैं। इनके ऊपर जितने भी नोट्स बिठाए गए हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं उसकी कैलकुलेशन जो मैंने आपको अभी बताया एग्जैक्टली वैसे ही की गई है। A4 नोट को 440 हर्ट्ज मान के बाकी सभी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो कैलकुलेट की गई हैं। तो ये कुछ एक बातें थी इक्विटेम्पर्ड स्केल की। अब मैं बात करता हूँ नेचुरल स्केल, जो कि हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल या इंडियन म्यूजिक जो है उसके साथ रिलेटेड है। जो हमारा इंडियन क्लासिकल सिस्टम है दैट इज बेस्ड अपॉन नेचुरल स्केल। अब नेचुरल स्केल में क्या है, एक मैं वीडियो बना भी चुका हूं जिसके बारे में मैंने श्रुति के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया था, तो वो आपको वहां से पता चल जाएगा। तो श्रुति जो है वो हमारे जो इंडियन क्लासिकल स्केल है उसको जब विभाजित करते हैं हम, तो उसका एक महत्वपूर्ण जो अंग है वो है श्रुति। तो श्रुति में क्या है कि एक ऑक्टेव, अभी जो ऑक्टेव हमने इक्विटेम्पर्ड स्केल में लिया था उसी ऑक्टेव की यहाँ पे बात करेंगे, बट उसको डिवाइड करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होगा। तो अभी हम सभी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एक ऑक्टेव जो है वो 22 श्रुतियों में विभाजित किया जाता है। तो 22 श्रुतियां बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो 22 नोट्स हैं एक्चुअल में, जो कि हमारे कान जो हैं उनको परसीव कर सकते हैं। तो अभी क्या है, देखिए कि जो इंडियन क्लासिकल सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम, उसमें 3 नोट्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वन नोट इज सा, अदर वन इज गा, एंड द थर्ड वन इज पा। तो मेजर और माइनर कॉर्ड्स की हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तो वहां पे हमने देखा है कि मेजर कॉर्ड जो है हारमोनी के केस में सा गा और पा का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो सा गा एंड पा ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं। अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो नेचुरली अगर आप देखेंगे
कि अगर सा की फ्रीक्वेंसी 100 है तो गा की फ्रीक्वेंसी 125 होगी और पा की फ्रीक्वेंसी 150 होगी। सो ये एक ऐसी चीज है कि जिसको हमने नहीं कैलकुलेट किया है। अगर आप इस चीज को प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, एक आप कोई स्ट्रिंग लेंगे, कोई भी तार लेके, जैसे गिटार की स्ट्रिंग होती है, उसको आप मान लीजिए कि आपने 100 यूनिट्स में काट के उसको प्लग किया तो आपको एक नोट की आवाज आएगी। फिर उसको आपने 125 उसकी लेंथ कर दी, उसको प्लग किया तो एग्जैक्टली आपको गा की आवाज आएगी, और 150 कर दिया अगर उसको तो आपको पा की आवाज आएगी। अब इसमें हमारी किसी तरह की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये हमने नहीं बनाया, ये हमको नेचर ने दिया है। तो जो भी नेचर ने दिया है उस चीज को हमने म्यूजिक में ढाला है। तो सा गा और पा की जो फ्रीक्वेंसी रेशियो है दैट विल बी नेचुरली दैट विल बी 1:1.25:1.5। और इसी प्रकार से इन कॉम्बिनेशंस को दिमाग में रखते हुए, फ्रीक्वेंसीज को रखते हुए, हमारे पास 22 जो श्रुतियां हैं उनकी प्लेसमेंट जो है वो एक ऑक्टेव में की जाती है। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या है, 22 श्रुतियां क्या हैं, पहले तो वो देखिए आप 22 ही क्यों हैं। अभी इक्विटेम्पर्ड स्केल में हमने देखा था कि 7 हमारे पास शुद्ध स्वर हैं, 4 जो हैं वो कोमल हैं, 1 जो है तीव्र है, 12 स्वर हो गए। इन 12 में से सा और पा ये हमेशा फिक्स रहते हैं। तो जैसा कि हमने देखा सा और पा का कोई कोमल या तीव्रा नहीं होता, तो सा और पा दे आर द फिक्स्ड नोट्स। अभी बच गए कितने, 10। 10 में क्या है, जैसे रे है कोमल रे है, फिर कोमल गा है, उसके बाद मा है तीव्रा मा, धा कोमल धा, नी कोमल नी। तो ये 10 नोट जो हैं ये मतलब इनका कोमल या तीव्र हो सकता है, सा और पा हमेशा फिक्स ही रहेंगे। अब ये जो 10 नोट्स हैं, इन 10 के 10 नोट्स की आगे दो दो श्रुतियां होंगी। जैसे अगर मैं बात करूं गा स्वर की, तो गा की टोटल 4 श्रुतियां होंगी, दो श्रुतियां होंगी कोमल गा की, दो श्रुतियां होंगी शुद्ध गा की। उसी प्रकार से रे है तो कोमल रे की दो श्रुतियां होंगी शुद्ध रे की। उसी प्रकार से मा तीव्र मा धा नी, तो 20 श्रुतियां, क्योंकि 10 नोट्स थे जो विकृत स्वर थे, अचल स्वर सॉरी चल स्वर, तो उन 10 स्वरों की 20 श्रुतियां प्लस 2 सा और पा जो हमेशा फिक्स हैं, तो ये 22 हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसीज जो हैं, श्रुतियां जो हैं वो आ जाएंगी। तो अभी इक्विटेम्पर्ड स्केल और नेचुरल स्केल में यहीं पे आके थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होता है। अगर नेचुरल स्केल में मैंने बताया कि सा गा पा 1:1.25:1.50, दैट इज वेरी मच क्लियर एंड दैट इज गिवन बाय नेचर। अब जब हम इक्विटेम्पर्ड स्केल में कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज मैनुअल कैलकुलेशन, तो उसमें ये जो सा गा पा की रेशियो है ये आएगी 1:1.26 समथिंग 1.49 समथिंग। तो अभी आप देखिए 1.25 की जगह 1.26 समथिंग आ गई, 1.5 की जगह पे 1.498 या जो भी है इस प्रकार से वो आएगी। तो ये जो छोटा सा डिफरेंस है, इसकी वजह से जो इक्विटेम्पर्ड के 12 नोट्स की फ्रीक्वेंसीज होंगी जो हमने मैन्युअली कैलकुलेट की हैं, वही कॉरेस्पॉन्डिंग नोट्स जो हमारा नेचुरल स्केल है, जब उसमें अगर वही 12 नोट्स हम बिठाएंगे, क्योंकि टोटल 22 श्रुतियां हैं, उनमें से हम 12 फ्रीक्वेंसीज सिलेक्ट करेंगे इन नोट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो वो फ्रीक्वेंसीज जो हैं, जो नेचुरली हमारे पास अवेलेबल हैं, वो जो मैनुअली कैलकुलेटेड इक्विटेम्पर्ड स्केल है उनके साथ मैच नहीं करेंगी, देयर विल बी माइन्यूट डिफरेंस। तो बचपन में हम लोगों ने जो गुरुजन थे उनसे एक बात सुनी थी कि वो हारमोनियम को बोलते थे कि हारमोनियम के साथ रियाज मत करो, हारमोनियम के साथ आपका सुर जो है वो ठीक नहीं होगा, वो पक्का नहीं होगा। अभी एक एग्जाम्पल भी मैं लेता हूँ, एक राग होता है पूरिया धनासरी, पूर्वी थाट का राग है,
तो इसमें रे और धा ये दो स्वर जो हैं ये कोमल होते हैं। तो भी आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, रे और धा कोमल है, हारमोनियम के ऊपर हम रे कोमल बजा देंगे, धा कोमल बजा देंगे, पूरा राग बच जाएगा। बट अगर आप क्लासिकली म्यूजिक की भाषा में थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो जो हमारा धा कोमल है, मैंने अभी आपको बताया था कि हर एक नोट की दो दो फ्रीक्वेंसीज हैं, अलग अलग दो दो श्रुतियां हैं, तो धा कोमल को भी दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो दी गई हैं। तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी है जो बहुत मतलब लोअर है धा से, धा कोमल से, दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है वो उस कोमल धा की जो पहली फ्रीक्वेंसी है उससे थोड़ा सा ऊपर है। तो अभी ये दो श्रुतियां हैं दोनों धा को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, बट एक श्रुति जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जिसको हम बोलते हैं अति कोमल धा। एक जो है हमारा कोमल धा, तो एक लो फ्रीक्वेंसी की है, एक हाई फ्रीक्वेंसी की। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इक्विटेम्पर्ड स्केल में हमारे पास एक ही फ्रीक्वेंसी है धा कोमल के कॉरेस्पॉन्डिंग, बट जो हमारा नेचुरल स्केल है उसमें धा कोमल के कॉरेस्पॉन्डिंग अगेन देर आर फर्दर टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब आप कहेंगे कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है? इनका सिग्निफिकेंस ये है कि नॉर्मली चाहे हम रागों के हिसाब से, किसी राग में हमें लो फ्रीक्वेंसी वाला धा लेना पड़ता है, किसी में हाई फ्रीक्वेंसी वाला। जैसे पूरी धनासरी मैंने बोला तो उसमें अति कोमल धा जो है वो लगेगा, जो कि आपको नॉर्मल जो हमारे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे हारमोनियम है या पियानो है, कोमल धा तो मिल जाएगा, बट कोमल धा की जो फ्रीक्वेंसी है, श्रुति है, अति कोमल धा वो नहीं मिलेगी। तो वो अब आपको कहां से मिलेगी? वो आपको मिलेगी जितने भी हमारे इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो जैसे वीणा है, सितार है, तो सारंगी है, इवन वायलन है, तो इन सभी के ऊपर, क्योंकि इनमें कोई भी फ्रीक्वेंसीज जो है वो डिफाइंड नहीं है, या सितार के ऊपर भी आप थोड़ा सा उसको मींड देके फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो वहां पे आपके पास एक ऑप्शन है, जो लोग क्लासिकल में माहिर हैं, जो इस चीज को, क्योंकि गाने में तो हम ये चीज ला सकते हैं, बट उसको लाने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस होना चाहिए। तो अगर हम हारमोनियम को रेफरेंस लेके चलेंगे तो अति कोमल धा जो है वो आप नहीं बजा पाएंगे, क्योंकि उसमें कोमल धा ही है। बट अगर आप वायलिन के साथ रियाज कर रहे हैं, सारंगी के साथ कर रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आप धा से एक आधा मिलीमीटर का ही फर्क होता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती है। तो वो प्रैक्टिस की बात है। तो इसीलिए इंडियन क्लासिकल है जो उसका रियाज बहुत कठिन माना जाता है, बट ये है कि अगर आप उसमें एक बार माहिर हो गए तो जो हमारे गुरुजन थे उनके कान इतने ज्यादा सेंसिटिव थे कि अगर हम हारमोनियम के ऊपर भी कोई कॉर्ड बजाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये वाला स्वर जो है ये थोड़ा बहुत चढ़ा हुआ है या उतरा हुआ है। अब एक आपको बात बताता हूं, सा गा पा 1:1.25:1.5 नेचुरल में, 1:1.26:1.49 जो हमारा इक्विटेम्पर्ड स्केल है। अब ये जो आप बोलेंगे कि ये तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है अगर हम पॉइंट्स की बात करें, तो बिल्कुल ये डिफरेंस हालांकि माइन्यूट है, बट जिसको बहुत रियाज है, जिसके कान जो हैं वो सुरीले हैं या बहुत सेंसिटिव हैं, तो उनको ये छोटा सा डिफरेंस भी जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। मैं अपने अगले किसी एक वीडियो में आपको ऐसा एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा कि जिसमें इक्विटेम्पर्ड और नेचुरल स्केल की फ्रीक्वेंसीज लेके आपको कुछ बजा के दिखाऊंगा, और जब दो चीजें पैरेलल में बजेंगी तब आपको फील होगा दैट देयर इज समथिंग, मतलब दोनों में कुछ डिफरेंस है, देर इज समथिंग डिफरेंट इन द नेचुरल स्केल। तो वो चीज मैं कभी मौका लगेगा तो डेमोन्स्ट्रेट जरूर करूंगा। आज के इस वीडियो में किसी तरह की कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, बट एक जनरल बातचीत करने के लिए मैंने आज का जो वीडियो था वो बनाया था। और एक बार फिर से मैं यही बात कहूंगा कि जो भी मैंने आपको बताया, अगर आपको ये नहीं भी पता, आप नहीं भी पता करना चाहते, तो उससे जो भी आप बजा रहे हैं या गा रहे हैं उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आप ठीक है म्यूजिक को एंजॉय जरूर करेंगे, बट बात वही है कि हमारा इतना रिच कल्चर जो है, विरासत जो है, इतिहास जो है, कम से कम उस चीज को हमें पढ़ना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कितने हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है कई हजार साल पुराना है, तो वो कितना रिच म्यूजिक है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि बातें बहुत ज्यादा हो गई, बट उम्मीद करता हूं कि अगर आपका इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो जरूर आपको कुछ ना कुछ नई बात जो है वो पता चली होगी, और इन चीजों के बारे में आप खुद भी जरूर पढ़िए, रिसर्च कीजिए, बहुत आपको मजा आएगा। म्यूजिक के अंदर जितना आप घुसेंगे, ये एक तरह का समुंदर है, तो उतना ही आप डूबते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ और वीडियोस लेके बहुत जल्दी फिर से आपके रूबरू होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।